The next tip is make sure you allow time for fun and relaxation. See, everybody needs leisure time, everybody needs fun and relaxation in the whole day for some time. Like तुम्हारे टाइम टेबल को ऐसा मत रखो जिसे तुम कर ही ना सको. जैसे हम बड़ा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 4 बजे उठना, फिर 4 से 8 पढ़ाई करना, फिर 8 से 9 नाश्ता करना, फिर 9 से 2 पढ़ाई. सो ये सुनने में अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली करने जाओ तो ये होता नहीं है. स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे कोशिश करके दिखावा कर देते हैं, बट दिमाग में कुछ घुसता नहीं है. सो इसलिए अपने टाइम टेबल को ऐसा रखो कि तुम्हें थोड़ा फन एंड रिलैक्सेशन का भी टाइम मिले, आधे घंटे का ही भले मिले. और जैसा कि एक मेरी सेइंग है जो मैं सारे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जैसे खाने में नमक स्वाद अनुसार और पढ़ाई औकात अनुसार, या कोई भी काम ज़िंदगी में ऐसा करना चाहिए जिसमें तुम अच्छी तरह से परफॉर्म कर सको. ये जितनी तुम्हारी क्षमता हो उतना ही पढ़ो, लेकिन उतने में ऐसा पढ़ो कि कमाल कर जाओ. ये प्रॉमिस स्टूडेंट को करना पड़ता है कि मैं भले 1 घंटे पढ़ूंगा, बट वो 1 घंटे में ऐसा पढ़ूंगा कि मुझे ज़िंदगी में कभी वो पढ़ा हुआ पूछ लो तो वो मुझे याद रहेगा. ये प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा बीइंग स्टूडेंट. पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने सारे दोस्तों के साथ. धन्यवाद.